है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ अपडेट करेंगे, प्लस CWL में अटैक भी करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, हमारे पास 2,84,000 डार्क है, ओके, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग अपग्रेड पे लगाएंगे हमारे यहाँ पे जो ये हॉग है उसको। हमारे पास बुक ऑफ फाइटिंग है ही, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, ये रही बुक ऑफ फाइटिंग। और एक बुक ऑफ फाइटिंग तो यहाँ पे पेंडिंग ही है, तो दूसरी बुक ऑफ फाइटिंग से हम लोग उसको दूसरा लेवल करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ उसको दूसरा लेवल नहीं करता, उसकी जगह मैं कुछ और चीज़ करूँ। बट अब देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि हॉग अटैक इंपॉर्टेंट होते हैं, माइनर एंड हॉग जो हाइब्रिड अटैक होता है उसमें। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हॉग रख देते हैं। हमारे पास डार्क बहुत है, तो हम लोगों ने ये हॉग रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हॉग है, और यहाँ पे ये जो 10 दिन मांग रहा है वो स्किप कर देंगे हम लोग, चलो जल्दी से। और यहाँ पे हो गई ये लेवल 8 के, ओके, तो चलो यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है 2,16,000, तो वो तो नहीं हो पाएगा। सो हम लोग सबसे पहले तो मेरे CC में लूट बहुत है। मेरा CC कहाँ गया, ये रहा, ये रही, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हमारा एलिक्सर हो चुका है फुल, तो यहाँ पे हम लोग एलिक्सर से कुछ अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी अपग्रेड करेंगे, बेबी ड्रैगन को, तो बेबी ड्रैगन मैक्स हो जाएगा, क्योंकि फनलिंग में बेबी ड्रैगन यूज़ होता है। ओके, मैं नॉर्मल ड्रैगन भी कर सकता हूँ, बट नॉर्मल ड्रैगन को अभी अटैक करने में मैं यूज़ नहीं करता। सो मैं बेबी ड्रैगन में यूज़ करता हूँ बहुत बार, सो बेबी ड्रैगन को इसीलिए मैं करूँगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बेबी ड्रैगन को हम लोग बुक मार लेते हैं, तो ये रही, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गई, और यहाँ पे ये जो बेबी ड्रैगन है ये 13 दिन मांग रहा है, वो 10 दिन था और ये 13 दिन है। सो यहाँ पे हम लोग इसको भी कर लेते हैं बुक, वेट अ सेकेंड, एंड ये हो गई है बुक। तो यहाँ पे एक ट्रूप हमारे मैक्स हो चुका है बेबी ड्रैगन। और यहाँ पे अब जो हॉग है वो 2 लेवल बचे हैं, ओके, लेवल 9 एंड लेवल 10। तो यहाँ पे लेवल 9, तो मैं सोच रहा हूँ लेवल 9, तो जो ये हमारा यहाँ पे जो हैमर है, ओके, उससे कर दो हैमर ऑफ फाइटिंग से, ओके, तो वो लेवल 9 तो वो इजीली हो जाएगा। बट लेवल 10 का रहेगा कुछ सीन, तो लेवल 10 का भी मैं सोचता हूँ क्या होता है। अगर 2 बुक मैं परचेस कर सकता हूँ, 2 हैमर ऑफ फाइटिंग परचेस कर सकता हूँ, ओके, 120 120, अगर 240 से ज़्यादा मेडल आए, जो कि मुझे मिल जाएंगे प्रॉबेबली, लेट मी चेक फर्स्ट, ओके, हम कैसे लिखा, हाँ 274 तो आएंगे, 240 तो आएंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं 2 लेवल अभी 2 लेवल जो है हॉक के, वो मैं बुक ऑफ हैमर ऑफ फाइटिंग से कर दूंगा। तो 7 दिन लगेंगे, क्योंकि एक बार परचेस के बाद 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। तो 7 दिन में मेरा हॉग लेवल 9 का भी हो जाएगा और लेवल 10 का भी हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो ना 26-27 दिन का फ़ायदा होगा, ओके, एक प्लस गोल पास भी है, तो 26-27 दिन का फ़ायदा होगा। 26-27 दिन सीधा 7 दिन में कट हो जाएंगे, ओके। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बुक ऑफ हीरो बचा है, ओके, बुक ऑफ हीरो, जो कि मैं सोच रहा हूँ उसको किंग में अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि किंग लेवल 67 का जो है 67 में रख दूंगा, 6 दिन 18 घंटे, तो 2,25,000 मांग रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है, ओके, रॉयल चैंपियन को तो मैं बुक नहीं मानना, क्योंकि अभी 4-4 दिन में क्या बुक मारे, अभी प्लस मेरे तो यहाँ पे पर्क भी ऐड होगा, बिल्डर बूस्ट वगैरह, तो 4 दिन से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ नहीं करते, ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं, ओके। बुक ऑफ स्पेल भी है हमारे पास, तो बुक ऑफ स्पेल का तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ किसी में भी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्पेल मेरा मैक्स करना है, तो अगर ये मैं मैक्स करूँगा तो मेरे सबके सब एलिक्सर स्पेल मैक्स हो जाएंगे, तो मैं बुक ऑफ स्पेल इसमें कर लेता हूँ, ओके, अपग्रेड। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ ये करूँ कि मेरे सब एलिक्सर स्पेल मैक्स हो जाए, तो अच्छा दिखेगा प्रोफाइल में। अभी प्रोफाइल थोड़ी इंप्रूव हुई है, पहले से अच्छी इंप्रूव हुई है, बट अभी एक और स्पेल मैक्स होगा तो और इंप्रूव होगी। तो ये चीज़, अब हम लोग एक और चीज़ करते हैं, तो अटैक करने के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये तो खाली हो चुकी है, और यहाँ पे 20 घंटे के बाद एक और चीज़ अपग्रेड करने पहले रख देनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ, एक और मोटर अभी से ही रख देता हूँ, सो क्योंकि 20 घंटे के बाद तो वापस से बिल्डर फ्री हो ही जाएगा। सो कहाँ गई मोटर, मैं लोग हम 2 मिनट बेस चेंज करने दो, तो मोटर भी आ जाएगी, सामने ही मिलेगी, इधर इधर कहीं, ये रही। तो हम लोग इसको अपग्रेड कर रखा देते हैं, ओके, और 20 घंटे के बाद तो फ्री तो पड़ने ही वाला है। सो ये रखूँ या फिर ये रखूँ, एक काम करता हूँ इसको रखते हैं, ओके, ये 14 दिन, दोनों का सेम ही है प्रॉबेबली, ये दोनों का सेम ही है, तो हम लोग इसको ही रखते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रख दिया, तो हमारे पास अब हमारी स्टोरेज हो चुकी है खाली, ओके, गोल्ड। बट हम लोग एक अटैक कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और ये रहा देखो। सो यहाँ पे ये बेस है, और हमारे पास ये आर्मी है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ से ना जो सीज बैरक से उसको रख के फनल कराऊँ, इस तरफ से क्वीन वॉक करवाऊँ, और मिडल से मैं घुसाऊँगा बाकी सब,
ट्रूप को, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, बस सीसी को हैंडल करना है क्योंकि सीसी बहुत मिडल में है तो सीसी बाहर आएगा तो उसको हैंडल करना है। सो ये आर्मी है एंड लेट्स गो, चलते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक क्वीन को, ओके और यहाँ पे एक इसको छोड़ देते हैं, चलो। और यहाँ पे पीछे हम लोग हीलर्स को रख देते हैं, यहाँ पे सीज बराक्स अभी से ही रख देता हूँ मैं, और साथ में 1, 2, 3 वीच भी रख देता हूँ तो अभी से ही अच्छी फनलिंग हो। एक वॉल ब्रेकर यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बट मैंने गलती कर दी, वहाँ पे नहीं छोड़ना था, इस तरफ क्वीन नहीं आएगी, उस तरफ जाएगी। सीन हो गया, थोड़ा सा माइनर सीन हो गया है, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, चलता रहेगा। एक रेज स्पेल मैं डाल देता हूँ क्वीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ये रख देता हूँ, ये गए, ओके बाकी के ये सुपर विजार्ड, और यहाँ पे ये क्वीन, वार्डन, किंग, ये वॉल ब्रेकर छोड़ देता हूँ, किंग, और यहाँ पे ये रख देता हूँ मैं ये, एक रेज स्पेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक जम स्पेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइजन स्पेल डाल देता हूँ, ओके और वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ, ओके सब अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है। और यहाँ पे ये एक छोड़ देता हूँ, ओके और यहाँ पे एक और रेज स्पेल डाल देता हूँ, फ्री स्पेल यहाँ पे मिडल में डालता हूँ, ओके और यहाँ पे अब जैसे देखते हैं कि भी क्या होता है, और चीज़ें यूज़ होगी नहीं, इस तरफ यहाँ पे एक रेज स्पेल डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रीज को ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने आरसी की एबिलिटी यूज़ कर दी, और ये एक मिनियन यहाँ पे रखता हूँ, एक आर्चर यहाँ पे रखता हूँ, और चलो अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है। किंग की एबिलिटी हमारे पास है, अभी किंग की एबिलिटी हम लोग अभी भी यूज़ कर लेते हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने क्वीन को ले लिया, बट सिंगल टारगेट इन्फर्नो डाउन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो यहाँ पे बचा हुआ है, उसका कुछ करना पड़ेगा सेटिंग। ओके तो क्वीन ले लेगी यस ले लिया, और यहाँ पे इजी पीजी यहाँ पे हमारा हो चुका है 3 स्टार, और यहाँ पे हम लोग एक छोड़ देते हैं इसको, ओके सो यहाँ पे इजी पीजी हमारा हो गया 3 स्टार, कोई दिक्कत नहीं हुई इजीली। ओके तो यहाँ पे एक लूंस है जो कि वो भी पेल देगा, ओके और यहाँ पे ये एक टेस्ला है, मर जाएगा लूंस, मार देगा लूंस ही मार देगा, हाँ ये बोला ना, लूंस ही मार देगा। सो यहाँ पे एक ही चीज़ बाकी, सो इजी अटैक 3 स्टार, कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम स्मूथली गया पूरा अटैक, और हम लोगों को 3 स्टार मिल गया। तो ये थी गाइस पूरी आज की वीडियो, और हमारे पे चल रहा है अटैक, और चैनल पर पहली बार आ रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।